आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसको हम आर्टिफिशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने इसको अपने दिमाग से सीखा है। सही। सो अपने दिमाग की अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग किस तरीके से काम करता है? न्यूरल नेटवर्क्स हमारे दिमाग में नेचुरली एक्सेस करते हैं, तो हमने इसको कॉपी, हमारे जो न्यूरल, जो दिमाग के लिए जो न्यूरॉन्स हैं, जो न्यूरल नेटवर्क जो बना हुआ है, उसको कॉपी करने के लिए हमने कंप्यूटर में भी ये चीज़ लिया है। तो इस वजह से इसको हमने आर्टिफिशियल कह दिया। पूरा एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हमने खुद बनाया है। हर लेयर जो होती है उसकी दोस्त, हर न्यूरॉन की स्टेट होती है, एक्टिवेटेड होती है, नॉन एक्टिवेटेड, साथ साथ लिखते हैं। तो हम बात ये कर सकते हैं एन आर्टिफिशियल नेटवर्क इज बिल्ड फ्रॉम न्यूरॉन। और हर न्यूरॉन की कितनी स्टेट्स होती हैं? दो, एक्टिवेटेड और नॉट एक्टिवेटेड। जो स्टेट्स में होते हैं ये। अच्छा, ये जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये कह सकते हो कि लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं या ऑर्गेनाइज होते हैं। न्यूरॉन आर ऑर्गेनाइज इन लेयर्स, और ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि आप ये कह सकते हो कि सेम लेयर वाला न्यूरॉन कभी भी आपस में दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो सकता, हमेशा अपने से एडजेसेंट वाले से कनेक्टेड होगा। एंड कनेक्टेड यू कैन से इन अ मैनर सच दैट, जैसे वो आपस में कनेक्ट नहीं होगा तो कह सकते हैं कि अ न्यूरॉन कैन नेवर कनेक्ट टू एन अदर न्यूरॉन इन इन सेम लेयर। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। और दूसरा ये कह सकते हो ईच न्यूरॉन कनेक्ट ऑल अदर न्यूरॉन इन नेक्स्ट एडजेसेंट लेयर। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपका एक छोटा सा नेटवर्क बना के देखते हैं,
ये हर एक सर्कल जो है एक न्यूरॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो 3 न्यूरॉन है, चलो नाम भी दे देते हैं, ए बी सी डी ई। जी वाई और जी। बेटा ए बी सी है ना, ये आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते, इसका मतलब ये था ये पहले वाले का। और नेक्स्ट कह रहा है ईच न्यूरॉन कनेक्ट्स टू ऑल अदर न्यूरॉन्स इन नेक्स्ट एडजेसेंट लेयर, मतलब ये जो ए है आपका ये डी से भी कनेक्टेड होगा, ये ई से भी कनेक्टेड होगा और ये जी से भी कनेक्टेड होगा। सेम ये जो बी है ये डी से भी कनेक्टेड होगा, ये ई से भी कनेक्टेड होगा और ये जी से भी कनेक्टेड होगा। सिमिलरली ये जो सी है ये डी से भी कनेक्टेड होगा, ये ई से भी कनेक्टेड होगा और ये जी से भी कनेक्टेड होगा। सिमिलरली ये जो डी ई वगैरह है ये डी वाई से कनेक्टेड होगा और ये डी जी से कनेक्टेड होगा, ई वाई से कनेक्टेड होगा, ई इससे कनेक्टेड होगा, ए जी इससे कनेक्टेड होगा और इससे कनेक्टेड होगा। ये एक न्यूरल नेटवर्क है, इसमें बीच में वेट्स वगैरह जो भी यूज किए जाते हैं इस पे थोड़ी देर बात करते हैं। अब ये काम कैसे करता है कुछ अंदाजा है आपको? कुछ भी नहीं आइडिया अंदाजा, ये आई गेस टॉपिक पढ़ा तो होगा। ओके ओके चलो मैं फिर इतने टिपिकल पे नहीं जाता, एक थोड़ा बेसिक से समझाता हूँ फिर इस टिपिकल पे आता। इसको हम एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज पे ले चलो, एक सिंपल वाली डायग्राम पे मैं अभी बना के पहले वो समझाता हूँ फिर इसको, मुझे लगा कि शायद थोड़ा बहुत अंदाजा होगा। ओके सो हम आ जाते हैं अगेन एक सिंपल से, पहले मैं बना रहा हूँ नेटवर्क। ये मेरे पास ए है, अगेन दिस इज बी सी और इसको जी कर देते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क है, इसमें होगा क्या, ये आपस में सारे कनेक्टेड होंगे, ए जी से कनेक्टेड होगा, बी भी जी से कनेक्टेड होगा और सी भी जी से कनेक्टेड होगा। इसको हम बेसिकली हर ये नोड है ना, एक नोड दूसरा नोड तीसरा नोड, मतलब न्यूट्रॉन है, ओ न्यूरॉन है, इन न्यूरॉन को अब एक्टिवेटेड न्यूरॉन जो आपका ये काम कैसे करता है, ये जो आपका जी वाला जो फंक्शन है ना ये फंक्शन जी कहलाएगा, इसको हम कह देते हैं एफ ऑफ जी।
अच्छा, ये नोड जो है ये ऐसे काम नहीं करते, इनके साथ वेट्स यूज किए जाते हैं। सपोज करो मैंने कहा दिस इज वेट वन, वेट टू एंड वेट थ्री, ये हम वैल्यूज वेट की चेंज करते हैं ताकि हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिले। ये सारा बैक प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स वाले टॉपिक जो है अभी ANN के नहीं पढ़ेंगे, उसके अंदर वेट्स के बारे में मैं जिक्र करता हूँ। तो होगा क्या, ये जो फंक्शन जी है ना आपका, ये ऐसे नहीं है कि हर ऐसे ट्रिगर और एक्टिवेट हो जाए नोड। हर नोड को एक्टिवेट होने के लिए एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है जिसको हम क्रिटिकल थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं। हम कहते हैं क्रिटिकल थ्रेशोल्ड वैल्यू। अगर क्रिटिकल थ्रेशोल्ड वैल्यू या उससे ज्यादा आपकी वैल्यू बनती है तो मतलब आपका जो फंक्शन है वो आउटपुट जनरेट करेगा, वरना आपका फंक्शन आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। मतलब ये फंक्शन है मेरा, ये नोड एक्टिवेट कब होगा, जब मेरी जो पीछे से जो वैल्यूज आ रही हैं वो वैल्यू क्रिटिकल थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर बढ़ती है तो आप क्या क्या कहते हैं, ये जो फंक्शन जी है ये काम करेगा वरना नहीं करेगा। अब ये फंक्शन जी कैसे काम करता है, तो मतलब कोई भी फंक्शन हो आपका, तो हम ये कह सकते हैं एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू जो भी ए की वैल्यू है, ए वैल्यू रख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय वेट वन प्लस बी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वेट टू सॉरी प्लस सी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वेट थ्री। तो बेटा इससे आपकी जो भी वैल्यू आएगी ना है, तो हमारी ये जो भी वैल्यू कैलकुलेट होती है ये हम कहते हैं दिस वैल्यू डिटरमाइन इफ इट इज बिलो और अबव क्रिटिकल वैल्यू। अगर ये वैल्यू आपकी जो भी आपने ये कैलकुलेट की है अगर ये अबव है तो ये फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। ये लिख लेते हैं इफ इट इज अबव देन एफ जी विल प्रोड्यूस एन आउटपुट, मतलब एक्टिवेट हो जाएगा और आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वरना प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्या ये बात समझ आई? अब आ जाओ, अब इससे समझा। यहां पे भी अगेन क्या होगा, सबके अपने अपने वेट्स होंगे, वेट 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 ये सारे वेट। अब होगा क्या, अच्छा इसमें एक और चीज भी चलो मैं इसके साथ साथ बता ही देता हूँ।
बेटा बेसिकली आपकी जो ये वाली साइड है ना, ये कहलाती है इनपुट लेंस, ये आपकी कहलाती है इंटरमीडिएट लेंस। अब होता क्या है, सपोज करो चीज बता दे बना लेते हैं हम, के बी पे, बी से कोई सिग्नल नहीं आ रहा, मतलब बी एक्टिवेटेड नहीं है, नॉट एक्टिवेटेड, सब जाने के लिए। ए और सी एक्टिवेटेड है, मतलब डी पर आपके पास क्या होगा, ए से सिग्नल आएगा और सी से सिग्नल आएगा, बी से सिग्नल नहीं आएगा, ऐसा ही होगा। गिवन दैट कि जब यहां सिग्नल नहीं आया, तो मैं समझाने के लिए सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये भी ट्रिगर नहीं हुआ। नॉट ट्रिगर, मतलब डी से आ गया, डी एक्टिवेट नहीं हुआ। डी एक्टिवेट ना होने की वजह क्या है, क्योंकि जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो थ्रेशोल्ड वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू से कम होगी, तो ट्रिगर नहीं हुआ। हाँ, ई और जी एक्टिवेट हो गए, क्योंकि ई और जी के पास भी सिग्नल तो खैर ए और सी से ही आ रहता है, लेकिन इनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू कम थी तो ये एक्टिवेट हो गए ई और जी। अब ई और जी से एक्टिवेट होने की वजह से वाई जो है, अगेन वाई एक्टिवेट नहीं हुआ बी बंद होने की वजह से, ठीक है, ये मेरे वाई आउटपुट से, क्योंकि इसकी थ्रेशोल्ड जो वैल्यू कैलकुलेट की गई वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम थी, और जो जी है वो एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने का मतलब क्या हुआ कि आउटपुट प्रोड्यूस होगा आउट, और ये पूरा ये जो नेटवर्क है ना, ये क्या कहलाता है, ये पूरा जो मैंने डिजाइन बनाया है, ये कहलाता है आपका मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, नहीं न्यूरल नेटवर्क तो कहलाता है ये न्यूरल नेटवर्क विद लेयर्स था, तो जब वो मल्टी लेयर आ जाते हैं नेटवर्क का जो डिजाइन है ना, ये कहलाता है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। जिसमें ये एग्जाम्पल दी थी कि बी एक्टिवेट नहीं हुआ तो उसे डी एक्टिवेट नहीं हुआ, डी एक्टिवेट नहीं हुआ तो वाई एक्टिवेट नहीं हुआ, और ए और सी से ई और जी ट्रिगर हुए, ई और जी से मेरा जी ट्रिगर हुआ, जी ने मेरा आउटपुट कर दिया। ये बेसिकली आपकी जो ये लेयर्स हैं, ये क्या कहलाती है, आउटपुट लेयर का। इंटरमीडिएट लेयर को एक और भी हम चीज कहते हैं, अंदाजा है, इंटरमीडिएट लेयर्स का नाम एक और भी है, अगर मैं इसको क्विकली बना के दिखाऊं, रुको एक सेकंड मैं बना ही दे।
अगर वैसे बेसिकली देखा जाए नेट न्यूरल नेटवर्क या टेक्नोलॉजीज की बात की जाए तो बेटा ये आपकी कहलाती है इनपुट लेयर, ये आपकी कहलाती है हिडन लेयर। हिडन लेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं जो छुपी भी होती हैं। मेन कंसेप्ट मल्टीपल लेयर। और ये आपकी कहलाती है आउटपुट लेयर। सही। इसको हम हिडन लेयर क्यों कहते हैं, या इसको अगर याद करो तो एएस के ना आपने टेस्टिंग करने पड़ा होगा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वगैरह। इसमें कितनी होती है आपको नहीं पता होता, बस आपको ये नजर आ रहा है और ये नजर आ रहा है, यहाँ की चीजें छिपी हुई होती है। सही। यहाँ तो कोई इश्यूज हैं? अब जो मैंने एक छोटी सी ये टर्मिनोलॉजी यूज की थी यहाँ पे, बैक प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, उस पर आता है। एएनएन का ही पार्ट है। क्या लगता है क्या होगा, ये नाम से क्या लग रहा है? हिडन लेयर्स के एरर को फिक्स करना नहीं बेटा, बैक प्रोपोगेशन। देखो हिडन लेयर्स का मतलब नहीं, इसमें हिडन सिर्फ हिडन लेयर्स नहीं आएंगी, बहुत सारी और चीजें आ जाती है। अब होता क्या है यहाँ पे, आपने जो मॉडल जो बिल्ड करते हो ना, आप वो आप करते हो नोन आउटपुट से। इनपुट वेरिएबल्स आपको पता है, लेकिन आपको नोन आउटपुट होता है। अब ये जो इंटरमीडिएट जो लेयर्स होती हैं, इनका जो पैटर्न होता है डिटेक्ट किया जाता है फ्रॉम इनपुट डेटा सेट। अब यहाँ पे होता क्या है, मेरे पास मैं लिख देता हूँ कि मॉडल एज वेल फ्रॉम नोन आउटपुट बेस्ड ऑन इनपुट वेरिएबल्स। अब आपको एक चीज मैंने बताई, मेरे पास नोन आउटपुट है ना, मैं अपने आउटपुट को छेड़ सकता हूँ किस बेसिस पे। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं, ये मेरा फंक्शन जी है, इसका मतलब है स्टूडेंट वेल पास, या हाँ चलो ये ले। अब इसके ऊपर फैक्टर्स बहुत सारे आ रहे हैं, और ये एक फंक्शन अगर एक्टिवेट नहीं होता, ये एक्टिवेट होता है मतलब फंक्शन फेल है। कुछ भी हम एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, स्टूडेंट पास हो सकता है, उसके क्या क्या फैक्टर हो सकता है? गुड अकेडमिक्स, पढ़ाई में अच्छा हो, रेगुलर हो,
ट्यूशंस ले रहा हो, सेल्फ स्टडी हो, घर में सुकून हो, उसके घर में प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकता है, एंड ये बहुत सारे और भी फैक्टर्स बन सकते हैं। देखो रेगुलर है और सेल्फ स्टडी कर रहा है तो आपका ऑटोमेटिकली गोल्डन अकेडमिक्स हो जाएगा, उसको ये कोई फंक्शन दे देता है बीच का। अब मेरे पास उसमें मैंने पुराना डेटा सारा निकाला कि ये एक बच्चा था जो पास हुआ था, उसके क्या क्या फैक्टर्स थे मैंने वो देखे। मैंने कहा ना नोन आउटपुट, मुझे पता है बच्चा पास हुआ था, अब मैं उसमें इनपुट पे जा रहा हूँ उसके पीछे। तो बच्चा पास हुआ था उसके मैंने पीछे आके देखा कि कौन सा फंक्शन एक्टिवेट हुआ हुआ था, मैंने कौन कौन से उसके फैक्टर्स थे, फिर उससे उसके बैक वाले की तरफ आके देखे अगर कहीं गड़बड़ हो रही है। मैंने ये सारा डेटा डाला और मेरा फंक्शन जो आउटपुट ने किया उसने कहा वो फेल है, हालांकि मेरा जो डेटा था उस हिसाब से बच्चा पास होना चाहिए था, मतलब मैंने कोई ना कोई उल्टी सीधी गड़बड़ की है। तो बेसिकली फिर मैं उस वक्त क्या करूंगा, मैं अपने नेटवर्क की जो ट्रेनिंग है ना, ये ट्रेनिंग में काम आता है बैक प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स, हम ये कह सकते हैं। नेटवर्क कैन बी ट्रेन यूजिंग सुपरवाइज लर्निंग। बेटा सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, पुराना लेक्चर देख लेना समझ आ जाएगी, अगर नहीं पता तो। इसमें होता क्या है, आपको बताया था मैं, वेट्स हम यूज करते हैं, हम वैल्यू तो नहीं इनपुट तो नहीं छेड़ सकते ना, हम वेट्स को देख सकते हैं कि किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने कहा कि मेरी बंदे की रेगुलरिटी होना और सेल्फ स्टडी होना सबसे इम्पोर्टेंट था, तो इसकी वेट की वैल्यू बढ़ा दो, और ट्यूशन लेना इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसकी वेट की वैल्यू कम कर दो, तो उससे मेरा फंक्शन अगला ट्रिगर होता है नहीं होता उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं द वेट्स ऑफ द कनेक्शन कैन बी ट्वीक बाय स्मॉल इंक्रीमेंटल अमाउंट। जब कब तक छेड़ोगे आप, जब तक आपका जो नेटवर्क का प्रेडिक्टेड आउटपुट है वो आपके नोन आउटपुट से मैच ना कर जाए। इंक्रीमेंटल अमाउंट अंटिल नेटवर्क्स प्रेडिक्टेड आउटपुट मैचेस क्लोजली विद नोन करेक्ट आउटपुट। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये बैक प्रोपोगेशन कहलाता क्यों है, ये पूरा जो प्रोसेस है ना ट्विकिंग का क्यों कहलाता है ये। द टर्म बैक प्रोपोगेशन कम्स, ठीक है, आप आउटपुट को देख के अपने इनपुट के वेट्स की वैल्यू को छेड़ते हो, कम्स फ्रॉम द प्रोसेस वेयर नेविगेशन स्टार्ट्स। आप एरर्स को ठीक करना कहाँ से ठीक करते हो, शुरू करते हो आउटपुट लेयर से। नेविगेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द आउटपुट लेयर ऑन द राइट एंड वर्क बैक, पीछे आ रहे हो ना, टूवर्ड द इनपुट लेयर ऑन द लेफ्ट।
ये कह सकते हैं इट इज अ आइटरेटिव प्रोसेस, बार बार चला के देखना पड़ता है। एडिटिव प्रोसेस क्या होता है, आप उसमें करते हैं क्या हो? इन विच वेट्स रिपीटेशन कह रहे हो, किसकी? वेट्स की, यानी आर चेंज टू अचीव एक्यूरेट आउट, एक्यूरेट या क्लोज टू एक्यूरेट। क्या ये चीज क्लियर है? तो इसी के साथ साथ डीप लर्निंग भी, छोटा सा ये डीप लर्निंग को भी करके क्लास ज्वाइन करते हैं। डीप लर्निंग के लिए आपको एएनएन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डीप लर्निंग वहीं से आएगी। डीप लर्निंग में होता क्या है, बेसिकली ये जो हिडन लेयर्स मैंने बनाई थी ना, ये वाली हिडन लेयर जो होती है, ये जब हिडन लेयर बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो आपका बेसिकली वो क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। जब प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज हो जाती है तो ये क्या कहलाता है, डीप लर्निंग कहलाती है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि व्हेन देयर आर मैनी हिडन लेयर्स, सो द अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग पावर इज इंक्रीज तो ये आपको क्या आ जाता है, डीप लर्निंग में चले जाते। डीप लर्निंग में क्या क्या काम करवा सकते हो? आप रैंडमली पहले सारे वेट्स कर देते हो और फिर आप उसकी कॉस्ट को कम करते चले जाते हो, जब तक आपकी जो एवरेज कॉस्ट वैल्यू है वो मिनिमाइज ना हो जाए। ये डीप लर्निंग में आता है। डीप लर्निंग के बारे में आपसे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो आपसे सिर्फ ये पूछ सकता है कि डीप लर्निंग होती क्या है। तो जब भी आपके पास मल्टीपल हिडन लेयर्स हो जाती हैं, ज्यादा हिडन लेयर्स हो जाती हैं, तो वो किस में चले जाता है, डीप लर्निंग में आ जाता है। Is it clear? बेसिकली आप देखो यहाँ पे मेरे पास कितनी एक लेयर थी। अब मैंने यहाँ पे ये समझ लो इस तरह की लेयर सपोज करो 50x कर दो, बहुत ज्यादा कर दी, मल्टीपल हिडन लेयर्स हो गई। अब मल्टीपल हिडन लेयर्स में मेरे पास क्या होगा, मेरी प्रोसेसिंग पावर भी बढ़ जाएगी। तो मेरी प्रोसेसिंग पावर बढ़ने की वजह से और ये बहुत सारी लेयर्स होने की वजह से मेरी ये जो प्रोसेस कहलाता है डीप लर्निंग में चले जाता है। पूरा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ही है, एएनएन ही है, बस यहाँ पे आपकी ये जो इंटरमीडिएट लेयर्स जो है ना, ये बहुत सारी हो जाती है। इनपुट और आउटपुट तो एक ही रहनी है, लेकिन जब बहुत सारी बीच में ये आ जाएगी, बहुत सारी, तो जाहिर सी बात है टाइम भी लगना है इन चीज़ों को।
और ये कब होता है, जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स के जो इंसानों की शक्ल पहचानने वाली या आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर या डीप लर्निंग, क्योंकि एक एक फेशियल को चेक करना है तो जाके आपको आपका आउटपुट मिलेगा। तो ये बेसिकली आपका डीप लर्निंग, डीप लर्निंग में आ जाता है। डीप लर्निंग इसलिए मैंने कहा क्योंकि यहीं पे लाके खत्म करूंगा, छोटी सी ज़्यादा चीज़ नहीं है। बस आज की क्लास को यही एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कल मैं टाइम अपडेट कर दूंगा आपको।